राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए पुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे, आज हम इस तरीके की फ्लैप वाली कैप बनाना सीखेंगे। ये बहुत ही आसान है, हमने नीटिंग से इसको बनाया है। इसमें छोटा सा पम्पम लगाया, आप देख सकते हैं, और बहुत ही मतलब कि सिंपल गोल कैप है। ये कितने ही बड़े और छोटे के लिए आप बना सकते हैं। तरीका सेम है, सेम जैसे मैंने ये तैयार किया है नौ फंदों से, वैसे ही आपको छोटे से लेके बड़े के लिए नौ ही फंदों से आपको शुरू करनी है। बाकी जैसी आपकी चौड़ाई बड़ी होती है उसी हिसाब से बच्चे के कैसर के हिसाब से तो आपको बंद करके वैसे आगे बनाना है। तो देखेंगे आप, बहुत ही आसान है बनाने। तो चलिए शुरू करते हैं, कैप बनाना। तो उसके लिए हमने इस तरीके की, आजकल मार्केट में बड़ी ऊन आई हुई है तो ये बच्चे के लिए बहुत सॉफ्ट रहती है, तो हम इसमें कुछ अपना शुरू करेंगे। आप सिंपल ऊन का भी, इस तरीके की ऊन का भी बना सकते हैं, कलरफुल जैसे भी आप चाहें। तो हमने ये इस तरीके की ऊन ली है, तो इसको हम जो है नौ नंबर पर बनाएंगे क्योंकि थोड़ी सॉफ्ट होती है, बुर वाली ऊन होती है। और ये देखिए, ये हम नौ नंबर हमने इसमें के लिए सिलाई लिया है, ये देखिए। तो इसको चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही आसान है और ये ऊपर से बनती है जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। तो हम सबसे पहले इस सिलाई में नौ नंबर सिलाई जो हमारी, इसमें नौ ही हम फंदे डालेंगे। तो हम इस तरीके से पहले फंदे डाल लेते हैं। तो ये हमारी नौ नंबर सिलाई पर नौ ही फंदों से कैप बननी शुरू होगी, यानी कि ऐसे हम नाइन फंदे डाल लेते हैं। नौ फंदे डाल लिए हैं, अब हम इसको, इसमें एक सीधी और एक उल्टी सिलाई बनेगी। तो हम शुरू से इसमें अपनी जाली डालनी शुरू करेंगे जिससे कि हमारे जो फंदे बढ़ते जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे। ये हमने पहला फंदा सीधा बुन लिया और इसको इस तरीके से अपनी तरफ लेके आएंगे। धागे को ये देखिए पीछे है, इसको आगे की तरफ अपनी तरफ ऐसे खींच के लाएंगे और फिर से हम सीधा फंदा एक बुनेंगे। तो ये देखिए, बीच में हमारा एक फंदा बढ़ गया है, तो ये जाली डलेगी इधर। तो जब भी हम ऐसे फंदा एक बुनेंगे तो तुरंत हम इस तरीके से आगे की तरफ लाएंगे उनको और फिर से सीधा फंदा बुनेंगे, यानी कि हम हर एक फंदे पे जाली डाल रहे हैं। फिर उनको आगे किया और ये हमने फंदा बना लिया एक, फिर उनको आगे किया, फिर एक सीधा फंदा हमने बुन लिया। इस तरह से हम हर एक फंदे को बुनने के बाद उनको आगे ला रहे हैं और ऐसे हम नौ के नौ फंदे बना लेंगे। ये देखिए, फिर आगे किया, फिर हमने इस तरीके से बना लिया, फिर उनको आगे किया, फिर हमने ऐसे बना लिया, लास्ट का फंदा रह गया है, फिर उनको आगे किया और हमने ये फंदा बना लिया। यानी कि पहला फंदा हमने सीधा बना, उसके बाद हम हर एक फंदे को बुनने से पहले उनको आगे लाए हैं जिससे कि हमारी जाली जो है डल जाए। अब ये हमारी उल्टी सिलाई है, तो ये देखिए थोड़ा ये फर वाली ऊन अच्छे से दिखाई नहीं देगा शायद आपको। सिलाई है उल्टी सिलाई, इधर हम इस तरीके से पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे और इस तरीके से, ये देखिए जाली वाला फंदा है, इसको हम ऐसे उल्टा बना लेंगे। ये देखिए, हर एक फंदा हमने इस तरीके से उल्टा बनाना है, यानी कि पूरी सिलाई, ये देखिए लूज जो फंदा है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जाली वाला है। यहाँ पर हमारी एक जाली जो है, एक एक जाली हर एक फंदे के बीच में डल गई है। तो ये हम पूरी सिलाई इस तरीके से उल्टी बना देंगे। इस ऊन में दो तीन रेशे होते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होती है लेकिन ये बहुत ही अच्छा नरम सा अच्छा टोपा बनेगा इससे हमारा बच्चे के लिए। तो इस तरीके से हम जो है, ये देखिए जाली वाला फंदा, सारे फंदे हमने उल्टे बना लिए। ये देखिए, फिर से हमारी सीधी सिलाई आ गई है। अभी देखिए हमारी जाली दिख नहीं रही है, इस ऊन में थोड़ा कम दिखता है। फिर से हम पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे और इस तरीके से हम
फिर से सॉरी, एक फंदा हमने बुना, फिर हमने जाली डाली थी, अब हम दो फंदे बुनेंगे फिर जाली डालेंगे। तो ये पहला फंदा बिना बुना ले लिया, एक फंदा और बुन लिया हमने। दो फंदों के बाद हम इस तरीके से उनको आगे करेंगे, फिर से दो फंदे बुनेंगे, एक और ये दो, फिर से हम जाली के लिए आगे करेंगे, फिर हम दो फंदे बुनेंगे, एक और ये दो, फिर आगे करेंगे। इसी तरीके से हम हर दो फंदों के बाद हम आगे कर रहे हैं, क्योंकि इस ऊन में हमारी जो जाली अलग से दिखाई नहीं दे रही है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये जाली है, तो ठीक इसके ऊपर हमारी ये जो सीधी फली जा रही है, इधर हमारी जाली डलती है, तो इधर हमने ऊन को आगे कर लिया। तो इसलिए मैं गिनती करके आपको बता रही, क्योंकि इस ऊन में दिखाई कम देता है। ये जाली एक और ये दो, फिर हमने उनको आगे किया, एक दो, फिर उनको आगे किया, एक दो। इसी तरीके से उनको आगे करके हम दो फंदे बना रहे हैं, एक और ये दो, ये लास्ट में हमारा एक ही रह गया, तो उनको आगे किया, और यहाँ पर हमारा एक ही फंदा हमेशा रहेगा। और उल्टी सिलाई हम फिर से उल्टी बना लेंगे पूरी, इसी तरीके से उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बनेगी, और सीधी सिलाई पर हमारी हर बार जो है फंदे बढ़ेंगे, जब तक कि हमारे कैप की जो चौड़ाई है बच्चे के सर की गोलाई के हिसाब से ना हो जाए। जैसे कि ये जो हम बना रहे हैं, 3-4 साल तक के बच्चे को ये आराम से आ जाएगा। तो ये पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे, हर बार फंदे बढ़ते जा रहे हैं, कितने ज़्यादा हमारे फंदे हो गए हैं। ये देखिए जाली अब आपको दिखाई दे रही होगी, ये दो जाली हमारी डल गई है, और ऐसे हमारे फंदे बढ़ते रहेंगे। अभी हम तीसरी मतलब सीधी सिलाई हमारी तीसरी, इस पर पहले हमने एक फंदा बिना बुना लिया, दो फंदों के बाद इस तरीके से जाली डाली थी, अब हम तीन फंदे बुनेंगे, एक दो हो गए और ये तीसरा फंदा, और फिर आगे करेंगे। ये देखिए अब अलग से आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो फली जा रही है सीधी इसके साथ में जाली है। अब हम हरे ये देखिए आगे किया हमने ऐसे उनको, और ये एक दो और ये तीन, फिर उनको आगे किया, एक दो तीन। तो ऐसे हम पूरी सिलाई बना लेंगे, उल्टी बनाएंगे, फिर हम सीधी पे आएंगे। अभी तीन पे किया, फिर हम चार पे करेंगे, फिर पांच पे करेंगे। इस तरीके से हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे, जब तक कि हमारे फंदे पूरे ना हो जाएं, उसके बाद हम सीधा उल्टा बना के कैप को लंबा करेंगे। बना लिया है जाली के बाद भी, क्योंकि इसमें थोड़ा हमें कम दिखाई दे रहा है, जिसे ये देखिए हमने जाली डाली है, तो इसको हम मैं गिन के आपको बताती हूँ। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 जाली हमने डाली, यानी कि ये जो हमारे फंदे बीच बीच में 11 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। तो ये आप बच्चे की जैसे शुरू आपको कितना भी छोटा कैप करना हो, कितने ही बड़े बच्चे के लिए या किसी बड़े के लिए बना रहे हैं, 6 या 9 फंदों से ही शुरू कीजिए। जैसे मैंने 9 फंदों से शुरू किया, तो यहाँ से आपकी गोलाई जब लगे कि बच्चे के सर के हिसाब से हो गई है, तो जाली डालनी आपको बंद कर देनी है, और उसके बाद इस तरीके से सीधा उल्टा आपको बनाना है। जैसे कि मैंने जाली के बाद इस तरीके से सीधा उल्टा बनाया है, जिसमें कि मैंने कोई फंदा बढ़ाया नहीं है। तो ये हमारे 4-5 साल तक के बच्चे को आराम से आ जाएगा कैप, मतलब 3 साल, 4 साल, 5 साल, यानी कि आराम से 2-3 साल इसको बच्चा पहन सकता है। तो इस तरीके से हमने 11 बार जाली डाली है। और बड़े के लिए बनाना है, तो ये जैसे 18 से 20 इंच का जो बच्चे की घसर की गोलाई होती है, उसको आराम से आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ से फिर सीधा उल्टा बनाना है। इसकी कैप की यहाँ से लेके चोटी से लेके आपको कान तक का नाप लेना है, उसके बाद जो है आपको और लंबा बनाना चाहिए थोड़ा बहुत 1-1.5 इंच तो बना सकते हैं, नहीं तो हम इसकी जो कैप की लंबाई हम रखेंगे वो 6.5 या 6 इंच के हिसाब से रखेंगे। तो जाली डालने के बाद हम जो है सीधा उल्टा बनाएंगे। अगर ज़्यादा छोटे बच्चे का बना रहे तो आप 5-5.5 इंच का कैप बना सकते हो। ये हम थोड़े जैसे 4-5 साल तक के बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो हम इसकी लंबाई 6.5 इंच के करीब हम रखेंगे। उसके बाद हम सेंटर में फ्लैप डालेंगे, तरीके से बना लेंगे कैप को। तो आपकी जो लेंथ हो, यहाँ से हमने नापा है इस तरीके से, देखिए
5.5 इंच हमारी जब हो जाएगी पूरी, तो उसके बाद हम जो है यहाँ से उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे। जो नीचे का बॉर्डर होता है वो हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा ये रेड कलर इस्तेमाल करूँगी बीच में दो धारियाँ डालने के लिए। तो अब हमारा जैसे 5.5 इंच हो गया है, अब यहाँ से मैं इस तरीके सीधी सही रही हमारी, यहाँ से मैं ऐसे पहला फंदा बिना बुना और ऐसे उल्टी सिलाई लूँगी। तो यहाँ पर हम सारी इस तरीके से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे, यानी कि हम 8 यानी कि बीच में दो धारी हम रेड की डालेंगे, या फिर एक भी डाल सकते हैं या दो इकट्ठी भी डाल सकते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे, हम एक करके एक एक करके डालेंगे, यानी कि पहले ब्लू कलर डालेंगे, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर रेड, इस तरीके से। तो हम इस जो है पहले इस तरीके से धारियां डाल लेते हैं, कम से कम हमारी 10 सिलाइयाँ होंगी। तो इस तरीके से पहले हम पूरी नीली, ये देखिए आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें ये बॉर्डर होगा हमारे नीचे की तरफ से, ये देखिए इस तरीके से। तो ऐसे हम पूरी उल्टी सिलाई बना लेंगे और फिर उल्टी तरफ से अपना रेड कलर लगाएंगे। सिलाई उल्टी बना ली है। तो यहाँ पर हमारी इस तरीके से एक धारी आ गई है और उल्टी सिलाई, ये हमारी उल्टी सही रही। देखिए यहाँ पर अब हम अपना कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप कोई भी वाइट भी कर सकते हो, लेकिन सेम ऊन होनी चाहिए। तो ये मैं रेड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ से हम इस तरीके से एक इसको लगा लेंगे। और यहाँ पहला फंदा इस पर हम बुनेंगे, क्योंकि हम कलर चेंज कर रहे हैं। तो ये सिलाई भी हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो ऐसे हम रेड सिलाई जो है दो उल्टी बना लेंगे और यहाँ से फिर से हम अपना ब्लू कलर से जो है चेंज कर देंगे, यानी कि हर दो सिलाई के बाद हम धागा चेंज करेंगे, जिससे कि हमारी दो दो सिलाइयों की उल्टी उल्टी ये इस तरीके से धारियाँ आ जाएंगी और नीचे का हमारा जो है बॉर्डर बन के तैयार हो जाएगा। तो रेड की हम दो धारियाँ डालेंगे। तो इस तरीके से हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ, देखिए यहाँ पर ये मतलब कि उल्टी तरफ से हमने धागा चेंज किया, फिर सीधी तरफ से भी हम उल्टी बनाएंगे। ये हमने पूरी सिलाई उल्टी बना ली है, अभी हमारा सीधी साइड आ गया है। यहाँ से भी हम पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे और उल्टी उल्टी सिलाई हम पूरी सिलाई उल्टी बना देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो है धारियाँ दो दो सिलाई की बन के तैयार होंगी। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा उल्टी उल्टी। तो ऐसे हमें इसके बाद ब्लू यानी कि नीले रंग की, उसके बाद फिर रेड की, इस तरीके से हम दो धारियाँ डाल लेंगे। तो नीचे का पहले हम ऐसे बॉर्डर बना लेते हैं। देखिए हमने दो धारियाँ इस तरीके से डाल दी है। तो ये हमारी उल्टी उल्टी सिलाई है। अब एक भी अच्छी लगती है, आप चाहे तो एक भी डाल सकते हो, लेकिन हमने ये दो डाली है और ये नीचे का हमारा कैप का जो है बॉर्डर भी बन के तैयार हो गया है। अब ये जो हमारे फंदे हमने बढ़ाए थे यहाँ तक, ये जो जाली डाली थी हमने, तो ये हमारे यहाँ पर जो है 11 हमने जाली डाली थी, तो बीच में हमारे 11-11 फंदे जो हैं बढ़ गए हैं। तो ये हमने 9 मतलब फंदों से शुरू किया था, तो ये जो हमारे फंदे 88 के करीब हमारे फंदे यानी कि 88 फंदे हमारे टोटल बढ़ गए थे, जो कि हमने यहाँ तक इसको जाली के नीचे बढ़ाया है। अब हमें इसे तीन हिस्से करने हैं। तो 88 फंदे यानी कि 88 फंदे के तीन हिस्से नहीं हो पाएंगे, तो हमने जो है इधर 29 फंदे करेंगे, इधर 29 फंदे करेंगे और बीच में हम 30 फंदे करेंगे, क्योंकि तीनों मतलब कि तीन हिस्से इसके नहीं हो सकते। या तो हमारे 87 होते तब हम जो है 29 29 29 यानी कि 29 29 29 फंदे यानी कि तीन हिस्सों में करते। तो हम बीच में जो है इधर 29 करेंगे, इधर 29 करेंगे और बीच में हम 30 फंदे करेंगे, यानी कि 30 फंदे बीच में, 29 29 इधर। तो इनको हम तीन हिस्सों में बांट लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारी उल्टी सिलाई हमने बना ली, सीधी सिलाई है, यहीं से हम जो है शुरू से 29 फंदों को हम घटा देंगे और बीच में बनाएंगे 30 फंदे, फिर लास्ट के फंदे हम 29 घटा देंगे, क्योंकि बीच के हिस्से में हमने फ्लैप बनाना है इसका। तो ये देखिए इस तरीके से आप जो है दो फंदे एक साथ ऐसे बने बनाएंगे उल्टे उल्टे पर, हमने इसको बंद करना है इस तरीके से उल्टी सिलाई पे। फिर सिलाई में हम इसको ऐसे डाल देंगे और फिर से हम इसको, ये देखिए हमारे दो फंदे घट गए। तो आपको गिन गिन कर 29 फंदे घटाने हैं। तीन फंदे घट गए,
चार फंदे घट गए। पांच, इस तरीके से 29 फंदे, या तो आप यहाँ निशान लगा लीजिए और 29 फंदे ऐसे घटा दीजिए। देखिए 27, 28 और ये हमने 29वां फंदा भी घटा दिया, यानी कि 29 फंदे हमारे जो है घट गए हैं, यानी कि घट के हमने यहाँ से बंद कर दिए। अब बीच के हमारे 30 फंदे हमने बुन लेने, एक हमारा सिलाई में आ गया है। इस तरीके से उल्टे उल्टे हम जो है 2, 3 इस तरीके से हम 30 फंदे सेंटर में रख लेंगे। 4, 5 इनको हम बुन रहे हैं, सिलाई में रख रहे हैं इस तरीके से। 30 फंदे जो हैं बीच में ले लिए। अब हमारे ये लास्ट के 29 फंदे बचे, इनको हम घटा देंगे। तो यहाँ से हम फिर से 2-2 फंदे इस तरीके से, देखिए 30 लेने के बाद हम फिर से 2 फंदे हमने लिए, सिलाई में उल्टा डाला और इस तरीके से लास्ट के 29 फंदे जो हैं हम इसी तरीके से बंद कर देंगे और सेंटर के फंदों से हम टिक कैप की जो है फ्लैप बनाएंगे। तो इस तरीके से उल्टी सिलाई पे हम बंद कर रहे हैं, ये देखिए इससे जो है इस तरीके से ऐसे लगता है कि उल्टी सिलाई है, तो धारियाँ हमारी इस तरीके से आ जाएगी। तो लास्ट के फंदे भी हम बंद कर देते हैं। हमने बीच में 30 फंदे यानी कि 30 जो है फंदे हमने छोड़कर इधर से 29 फंदे और इधर से 29 फंदे हमने घटा दिए। अब बीच के फंदे हमारे रह गए, यहाँ से हमने थोड़ा सा ऊन छोड़ के जो है बंद कर दिया, क्योंकि हमारे सिलाई में काम आएगा। अब ये हमारी उल्टी साइड आ गई है सिलाई, क्योंकि हमने सीधी बनाई थी। यहाँ पर हम अपना धागा फिर से लगा लेंगे ऊन का। अब यहाँ पर हम बीच की जो है फ्लैप बनाएंगे, तो इसमें हम इस तरीके से देखिए उल्टी इस तरफ हमने ऐसे लगा लिया। अब पूरे फंदे हम इस तरीके से उल्टे उल्टे बना लेंगे, तो इसको हम ऐसे दबाते हुए जाएंगे जिससे ऊन जो हमारी लटकी ना रहे। तो इस तरीके से हम पूरी सिलाई जो है उल्टी बना लेंगे। देखिए फिर से ऐसे किया और ऐसे हमने जो है 30 के 30 फंदे ऐसे उतार लिए हैं। अब हम सिलाई चेंज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर हाथ को जो है थोड़ा टाइट करना है। तो ऊन के हिसाब से हमारा 9 नंबर से हमने बनाई है, अब हम इसको फ्लैप बनाना है जैसे, तो आप 10 नंबर से बना सकते हैं अगर आपका हाथ टाइट है ज़्यादा। अगर आपका हाथ 10 नंबर पे भी लूज चलता है तो आप जो है 11 नंबर से बनाइए, जैसे कि मैं 11 नंबर से बना रही हूँ, क्योंकि फ्लैप में थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम थोड़ी अकड़न सी आ जाएगी थोड़ा सा। जैसे अब हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे दोनों तरफ से, यहाँ से हम 2 फंदे एक साथ बनाएंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर फंदे घटाएंगे क्योंकि बच्चे की है ये देखिए इस तरीके से 2 फंदे हमने घटा, 2 का 1 कर दिया यानी कि, और इस तरीके से पूरी सिलाई हम 11 नंबर से बना रहे हैं। अब हम 11 नंबर की सिलाई लगा लेंगे, तो यहाँ पर हम एक बार उल्टी तरफ से एक बार सीधी तरफ से हम फंदा घटाएंगे, कम से कम 3 बार हम फंदा घटाएंगे। उल्टी साइड आ गया, फिर से हम 2 फंदे ऐसे घटाएंगे और सारे फंदे हम उल्टे बना देंगे। तो एक उधर, एक उस तरफ से घटा हमारा, एक इस तरफ से घटा, तो ऐसे हमें 3 बार कम से कम घटाना है। तो एक एक बार घट के ऐसे हम 2-2 बार घटाएंगे और तो हमारी 6 सिलाइयाँ कम से कम हो जाएंगी। फिर हम देखेंगे अगर हमें चौड़ाई बहुत ज़्यादा लगती है बच्चे के हिसाब से तो और फंदे घटा देंगे, नहीं तो हम उतना ही बना लेंगे। देखिए हमने 3-3 फंदे घटा लिए हैं, 6 सिलाई हमारी हो गई। हल्का हल्का सा आपको देख रहे होंगे तिरछापन यहाँ पर आ रहा है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। अगर आपको ये ज़्यादा रखनी है तो आप जो है कम फंदे घटाइए, या फिर आप सीधा ही इसी तरीके से फ्लैप बना सकते हैं, यानी कि आपको घटाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मोटी ऊन थी इसलिए मैंने उल्टी उल्टी सिलाइयों पर इस तरीके से फ्लैप बनाया है। अगर आपकी ये पतली ऊन होती है तो हम इसको जो है डबल बनाते हैं, यानी कि इस तरीके से यहाँ से फोल्ड हो जाता है, जो फंदे हम घटाते हैं उन्हीं को उठाते हुए हम फिर से यहाँ पर आ जाते हैं। तो वो तरीका मैं फिर कभी किसी कैप में बताऊँगी। तो ये इस तरीके की मोटी ऊन में हम इस तरीके से उल्टी उल्टी सिलाइयों का फ्लैप बनाएंगे। तो आपको जैसे छोटे बच्चे का हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, और ये फ्लैप भी हमारी जो चौड़ाई बिल्कुल ठीक है,
अगर हम इंच टेप से नापते हैं इसको, तो ये हम देखिए यहाँ से ये 4.5 इंच की बनी है। ये देखिए थोड़ा खींचते हम, ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 4.25 इंच की हमारी तैयार बनी है। तो आप इसको 4 इंच की रखना चाहते, जैसे वो छोटे बच्चे की 3 इंच की, तो हिसाब से जैसे हम गोलाई कम होती रहेगी तो हमारी फ्लैप भी कम या ज़्यादा होती रहेगी। तो ये हमने अभी 24 फंदे हमारे 24 अब हम नहीं घटा रहे हैं, और इसी तरीके से 2 सिलाइयाँ और हम बना लेते हैं, क्योंकि ये हमारी जो फ्लैप हम बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बना रहे हैं। देखिए ये हमारी 1.5 इंच के करीब तैयार हो जाएगी 2 सिलाइयों के बाद। तो 2 सिलाइयाँ और बनाकर हम तीसरी सिलाई में इसको बंद कर देंगे। तो ये देखिए 2 सिलाइयाँ हमने बना ली है, यानी कि टोटल हमारी ये जो 8 सिलाइयाँ हम बना चुके हैं। अब हमारी 9वीं सिलाई है, यानी कि सीधी तरफ हम बंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने सीधी तरफ बंद किया था उल्टी उल्टी से, तो यहाँ पर भी हम सीधी तरफ हम बंद करेंगे। और इसी तरीके से 2 फंदे एक साथ ऐसे बनाने हैं हमने और बंद करने हैं। तो ये हम 24 फंदे जो हमारे इसी तरीके से सिलाई में उल्टा डाला, और आपको इसी तरीके से टाइट हाथ से बंद करना है आपको। तो ऐसे हम पूरा बंद कर देंगे, इसे बंद कर दिया, और यहाँ पर ये जो धागा हम सुई धागे से इसको अच्छे से फिनिश कर देंगे जिससे नज़र नहीं आएगा। तो इसके बाद ये हमारी फ्लैप बन गई। यहाँ से अब हम इस तरीके से सिलाई करेंगे, ये जो हमने धागा छोड़ा था सुई धागे से, देखिए हमने सुई में धागा पिरो लिया। पहले हम ये इसको कैप को हम ऐसे कर कर यहाँ से हम जो है सिल लेंगे। यहाँ से हम किनारे से सुई इस तरीके से डालेंगे और एक बार इधर से एक बार इधर से इस तरीके से हम जो है ऊपर तक कैप की चोटी तक हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। सेंटर में आ गए हैं, यहाँ पर हमने जो 9 फंदे डाले थे, तो यहाँ पर हम इस तरीके से कच्चा करके चारों तरफ, ये देखिए ऐसे, इसको भी हम बंद कर देंगे ऐसे बिल्कुल खींच कर। तो ये हमारा यहाँ से बंद हो गया, यहाँ से हम पक्का कर लेंगे। इस तरीके से सेंटर हमने सील दिया है, तो ये हमारा कैप बन के इस तरीके से तैयार हो गया है। और यहाँ से भी हम सुई में इस धागे को जो फ्लैप पे हमने छोड़ा था इसको भी इस तरीके से सुई में पिरोकर अंदर से इसे निकाल के इसको भी फिनिश कर देंगे। सुई में धागा डाल लिए और इसको इस तरीके से अंदर की तरफ से जिससे नज़र नहीं आए। देखिए ऐसे हम कुछ बनकर इस तरीके से नजर आ रही है। अब यहाँ पर हमने जो सिलाई करके इसे फिनिश किया था, ये देखिए बिल्कुल गोलाई, यहाँ पर हम छोटा सा रेड कलर का पम्पम बनाएंगे, लेकिन बहुत छोटा बनाएंगे। तो ये हमने ऊन है इसी कलर की जो इससे बहुत सुंदर बनता है, तो इसको हम इस तरीके से 2 उंगलियों के ऊपर ऐसे लपेट लेंगे। कम से कम 40-50 बार हम इस तरीके से लपेट लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें लपेटना है, मतलब 40-45 बार हमने इस तरीके से लपेट लिया है। अब हम इस ऊन को इस तरीके से काट देंगे और इसको ऐसे, ये देखिए ऐसे पकड़ा हमने, और ऐसे बिल्कुल सेंटर से यहाँ से जो हमने ऊन छोड़ी है इसी को हम इस तरीके से 2-3 बार कस के लपेट लेंगे ऐसे। यहाँ पर हमने बहुत कस कर इसको लपेटना है, और ये ऊन को ऐसे करके फिर इसी ऊन से हम इसको इस तरीके से एक नोट बांध देंगे और इसको पकड़कर ऐसे खींच देंगे, बल्कि 1-2 बार आप इस तरीके से इसको पक्का कर लीजिए। ये देखिए अभी कहीं नहीं हिल रहा है। सॉरी, अब ये जो फोल्ड वाली साइड है हम इसको इस तरीके से काट देंगे। देखिए कैसे
बहुत ज़्यादा हमने इसको, जैसे बताया मैंने 40-45 बार हमने इसको, ये ऊन का पम्पम बहुत मुझे पसंद है। ये देखिए कितना अच्छे से, देखिए अभी इसे कितना फूल गया है। और इसको आप इस तरीके से पकड़ कर इसकी कटिंग आपको करनी है, छोटा सा हमने बनाना है, बहुत बड़ा नहीं बनाना है। इस तरीके से जब तक अच्छी गोलाई नहीं हो आपको इस तरीके से इसकी कटिंग करते चले जाना है, जहाँ भी आपको बड़ा दिखाई दे इस तरीके से कटिंग करते करते बिल्कुल छोटा आपको बनाना है। देखिए अभी इसे दिखने लगे कितना अच्छा, इस तरीके से हम इसको जहाँ दिखता रहेगा, ये देखिए गोलाई में इसको ले लेनी है हमें शेप, ऐसे जहाँ आपको दिखाई दे कि नहीं यहाँ फिनिशिंग नहीं है वहाँ पर आपको ऐसे कट करते जाना है। छोटा इसको कटिंग करते करते कितना छोटा बना लिया है, तो जितना आपको छोटा बनाना है उस हिसाब से आपको इसकी कटिंग करनी है। और यहाँ से हम इसको यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में लगा देंगे, जिसे नज़र आए तो नीचे से बिल्कुल यहाँ से जहाँ से हमने सिलाई की थी यहाँ से सुई बिल्कुल सेंटर से ऐसे लेके आनी है। ये जाली है जैसे, यहाँ से बिल्कुल ले लेनी हमने। बेशक आप इस तरीके से यहीं से ऐसे पक्का कर लीजिए इसको, क्योंकि नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम पम्पम लगा देंगे, तो इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से सुई की सहायता से आपको लगा देना, ये देखिए। और एक बार और फिर इसको ऐसे बीच में सुई ले जाके नीचे की तरफ से इसको, क्योंकि पहले ही डबल है बहुत ज़्यादा इसमें सुई भी नहीं, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। और यहाँ से हम इस तरीके से पक्का करके धागे को काट देंगे। तो ये देखिए हमारा कितना छोटा सा हमने बनाया, बहुत बड़ा नहीं बनाया क्योंकि इस कैप में छोटा अच्छा लगता है। तो ये इस तरीके से नज़र आ रहा है, तो देखिए कितनी सुंदर कैप बनके हमारी तैयार हुई है। तो आपको अगर इस तरीके से कैप बनानी है तो आप छोटे से लेके बड़े बच्चे तक ही आराम से बना सकते हैं। शुरुआत ऐसे ही होगी, आपकी जैसी गोलाई बच्चे के सर के हिसाब से हो तो आपको फंदे बढ़ाने बंद कर देने, उसके बाद आपको सीधा उल्टा बनाना है। बाकी सेम तरीका यही है, तीन भाग कर कर जैसे मैंने बनाया है। और पम्पम आप छोटा बड़ा लगा सकते हैं, बड़े बच्चे में आप सिर्फ यहाँ पर कुछ भी ना लगाएं क्योंकि उनको पसंद नहीं आता कई बार, तो ये छोटे बच्चे का जैसे इसलिए हमने लगाया। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।